केरल की सरकार सभी घरों को जल पहुंचाने के लिए हर घर जल मिशन की शुरुआत 2019 में कर चुकी है और उसको लेकर के लगातार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में जल पहुंचाने को लेकर के काम भी चल रहा है। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हूं, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, और मेरे पीछे जो आप ये एरिया देख रहे हैं, ये पारीक्षा डैम है। और कहीं ना कहीं इसी तरीके से अलग अलग डैम्स और अलग अलग रिजर्वायर्स को एक स्पेस बना करके यहाँ से जो ये जल जीवन मिशन है, यहाँ से पानी लेने की पानी को यहाँ से ले जा करके ग्रामीणों तक पहुँचाने की जो सुविधा है वो कहीं ना कहीं इस मिशन के तहत दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ अनुराग श्रीवास्तव जी हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नमामि गंगे मिशन के, और साथ साथ जो ग्रामीण पेयजल का जो मिशन है। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका यहीं पर। सर, सबसे पहले तो ये जो मिशन है इसके बारे में बताइए, क्योंकि 2019 से शुरू हुआ, 2023 चल रहा है, अभी कितनी आप लोगों को सफलता मिल पाई है, कहाँ तक पहुँच पाए सर? देखिए, ये जल जीवन मिशन जो है ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये उनकी फ्लैगशिप स्कीम है और ये दिसंबर 2019 में उन्होंने लॉन्च किया था और इसको यूपी में हमने फेस्ड मैनर में सबसे पहले सबसे ज़्यादा समस्या का जो हमारा इलाका था वो हमारा बुंदेलखंड का एरिया था। अच्छा, तो बुंदेलखंड और विंध के एरिया में इसको दिसंबर 2020 में स्टार्ट किया गया सभी, और पूरा इलाके को कवर करने के लिए इसको किया गया था। अच्छा, हमारी बुंदेलखंड में अब करीब पूरी सभी परियोजनाएं तैयार हो गई हैं और परियोजनाएं कंप्लीट हो रही हैं, कमीशन हो रही हैं, ट्रायल रन चल रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन की वर्ज पे हैं, कुछ कंप्लीशन के बाद कमीशनिंग की वर्ज पर हैं, और कुछ ट्रायल रन की वर्ज पर हैं, और कुछ ट्रायल रन के बाद रेगुलर कमीशन, कमीशनिंग और ट्रायल रन, और उसके बाद रेगुलर वाटर सप्लाई, और कुछ स्कीम से रेगुलर वाटर सप्लाई शुरू भी हो गई है। अच्छा, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि सभी में रेगुलर वाटर सप्लाई हम 2 महीने में देने में शुरू। बुंदेलखंड और विंध का क्षेत्र, इन दोनों को मेन टारगेट, मेन फोकस रखने का मकसद कि वहां पर पानी की कमी सबसे पहला फोकस, इन जगहों पर पानी की सबसे ज्यादा कमी थी, सबसे ज्यादा दिक्कत थी, क्योंकि ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी इन जगहों पर बहुत ही खराब थी और इन जगहों पर आप देखेंगे बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था, महिलाओं को बहुत कष्ट होता था, परिवार की महिलाओं को, और तमाम समस्याएं थी इसको लेके, इसीलिए शुरुआत यहाँ से की गई। उसके बाद बाकी उत्तर प्रदेश को भी हमने टेकन अप कर लिया है और बाकी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में आज की डेट में 62% घरों में टैप वाटर कनेक्शन पहुंच गया है। डेडलाइन सर 2024 तक, बाकी पूरे यूपी के लिए दिसंबर 2024 है, दिसंबर 2024, लेकिन हम उसके पहले ही उसे कर लेंगे, हम उससे तेज चल रहे हैं और बुंदेलखंड में तो हम अगले 2-3 महीने में इस काम को पूरा कर लेंगे। सर, इस प्रोजेक्ट की अगर उसकी बात करें, एक्चुअली काम जैसा, हम इस डैम पर खड़े हैं, यहाँ से कैसे कहाँ पर पानी ले जाते हैं, उसको कैसे सफाई कैसे होती है, फिर कैसे लोगों तक पहुँचता है, इसकी सर पूरा प्रोसेस क्या है? देखिए, इसमें यह है कि हम लोगों के सबसे पहले तो जो पानी हम लेंगे, पानी जो बुंदेलखंड एरिया में सरफेस का वाटर लेंगे, सतही शुद्ध की परियोजना है, सरफेस के वाटर में 2 ही सोर्स है मेनली, या तो रिवर है या डैम है, तो यमुना और बेतवा 2 रिवर्स हैं, या फिर जो बड़े डैम्स आप देख रहे हैं इस तरह के डैम से इनसे हम पानी लेते हैं। तो जहाँ पर पानी लेते हैं वहाँ पर एक इंटेक बनाते हैं, जैसे इस इंटेक पे हम खड़े हैं इस समय, तो ये इंटेक है हमारा, इस प्रकार के इंटेक से ये भी इंटेक है और ये भी आप देख रहे हैं एक इंटेक है, 2 इंटेक है, इन इंटेक से पानी लिया जाता है। अच्छा। और लेने के बाद लिफ्ट करके यहाँ पर उस पानी को लिफ्ट करके यहाँ लाते हैं, तो लिफ्ट करके यहाँ पर ये मेन शेप है, ये WTP, ये जैसे ये जो पाइप्स लगी हैं यहाँ, इन पाइप्स के माध्यम से, पाइप के माध्यम से अब ये पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, जहाँ आगे है यहाँ से 6 किलोमीटर दूर। अच्छा। वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट में प्रॉपरली ट्रीट होता है उसका, वो काफी लंबी, उसमें 14-15 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, इनमें उसकी ट्रीटमेंट होती है, फिल्टरिंग होती है, सब कुछ होती है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट होने के बाद सारा पानी उसके बाद यहाँ से ये जाता है क्लियर वाटर रिजर्वायर्स में, CWRs में। अच्छा। वो पाइपलाइन के माध्यम से जाता है, वो क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर होते हैं, जैसे इस वाले में 6 CWR है, तो 6 CWR और OTH जो CWR से। अच्छा। पानी जाएगा उसके बाद ओवरहेड टैंक्स में जाएगा, जो CWR के बाद ओवरहेड टैंक्स आपके गांव में है। अच्छा। और गांव में ओवरहेड टैंक में जाने के बाद फिर वहां से गांव के अंदर की सप्लाई। अच्छा, तो उसमें हर घर में एक नल देने की सुविधा है, हर घर में एक नल है और गांव में कुछ ऐसे नल जो सार्वजनिक उपयोग की जगह है, स्कूल, आंगनबाड़ी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह, पंचायत घर, इन सब। और सर, इसमें जैसे हम लोग अलग अलग गांव में विजिट किए तो उनको एक बात की समस्या है कि उनको एक तो पानी जैसे कि उसकी कोई टाइम नहीं फिक्स है, तो टाइम को लेकर के क्या कोई ऐसा आप लोग रोस्टर तैयार करने वाले हैं कि रोस्टर से जाएगा कैसे क्या है? एक्चुअली ये पानी सुबह शाम 2 टाइम 2-2 घंटे देने की योजना है। अच्छा। तो ये जैसे ही ट्रायल रन कंप्लीट होता है, अभी कमिश्नरिंग और ट्रायल रन की स्टेज में है, तो अभी समय फिक्स नहीं हो पाया है, पर निश्चित रूप से एक रोस्टर ही हमको बनाना है और रोस्टर बना दिया गया है, उसी रोस्टर के हिसाब से सभी गांव में पानी जाएगा। हर घर को कितना पानी मिलना है? 55, ये जिसकी डिमांड है, जो हमने डिजाइन किया है, 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
अच्छा के हिसाब से पानी दिया जाए। तो सर उसका कोई मानक है, जैसे किसी के घर में पांच लोग, किसी घर में चार लोग, तो पांच लोग मतलब 55x5 के हिसाब से, तो मतलब 275 ml, वो मतलब 275 लीटर, वो कैसे निकलेगा उसका माप? ठीक है, हमने मोटे तौर पर ये किया है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ग्राम वालों को हम इसके लिए हमारे दायित्व तो है कि गांव के सभी लोगों को या अपने सभी साथियों को हम समझा सकें कि बेसिकली उनकी स्कीम है और उन्हीं को ऑपरेट करनी है, उन्हीं को चलानी है, उन्हीं की प्रॉपर्टी है जो कि सरकार ने उनके लिए बनाई है। तो इसलिए उनको ये अवेयरनेस करनी होगी कि आपस में ही उनको इस बात को देखना होगा कि भाई हम अपने अपने शेयर का ही पानी। एक चीज और सर, गाँव में विजिट के समय देखने, जैसे वो स्टोर कहाँ करें, जैसे या तो टंकी लगा दें, टंकी में स्टोर करें, या स्टोर की जरूरत नहीं। देखिए ये साल के 365 दिन पानी की सप्लाई होगी। नहीं सर, क्योंकि 2 घंटे सिर्फ होनी है। हाँ, तो वो तो घर में तो सब लोग करते ही। अच्छा, मतलब उसको जो स्टोरेज की जो उनका ट्रेडिशनल सिस्टम है उसी में करेंगे, अपने जो रखते हैं बाल्टी में, घड़े में, जिसमें। इसको लेकर के उनसे कुछ चार्ज भी लेने की प्रक्रिया है या आने वाले दिनों में, क्योंकि इसको ऑपरेट कैसे किया जाएगा? ये चार्जिंग की चार्ज तो करना ही, देखिए जब उनकी ओनरशिप है तो हर चीज के लिए पेमेंट है, तो चार्ज करने की भी एक व्यवस्था है पूरी, 50 रुपये प्रति परिवार प्रति माह की। ये अभी शुरुआत हो गई इसकी, 50 रुपये? ये 2014 से ही यहाँ पर जी होगी, जहाँ जहाँ पानी जा रहा है 50 रुपये प्रति परिवार प्रति, कुछ जगहों पर आ रहा है। इसके लिए भी हम लोगों की इसमें कोई बहुत बलपूर्वक करने की बजाय हम चाहते हैं कि लोगों की जागृति हो जाए और लोग स्वेच्छा से इस काम को करें, तो कुछ जगह पर शुरुआत हो गई है, कुछ जगह पर अभी और होनी है। बुंदेलखंड में ही कुछ क्षेत्रों में हम लोग जहाँ विजिट किए, वहाँ पे लोगों का ये कहना था, वो शुरुआती तौर पर इसी डर और इसी भय से इसको नहीं लगवा रहे थे कि उनको पैसा देना पड़ेगा। मतलब उन्होंने कहा कि जैसे पहले कई बार चीज़ें हुई, बाद में पैसा लिया जाने लगा, तो हम इस डर में, इस भय में नहीं, तो ये उस भय को कैसे निकालने की कोशिश? ये हमने शुरू में ही लोगों को बताया कि देखिए यूजर चार्ज तो आपको देना चाहिए, और जब आप जिस चीज का ले रहे हैं तो यूजर चार्ज देना चाहिए। इसमें हमने कभी भी ये नहीं है कि कोई, तो इसको हम अब मुख्य बात ये है कि लोगों को इसी में जागरूक करना है कि भाई आपको, आप एक सुविधा यूज कर रहे हैं सरकार ने बनाई, तो ये यूजर चार्जेस तो आपको देना चाहिए, तभी उनके अंदर एक ओनरशिप की या बिलोंगिंग की फीलिंग भी तभी आएगी, चार्ज देना शुरू करेंगे। एक और सर इशू आ रहा है पानी के टेस्ट को लेकर के, क्योंकि नॉर्मल जो रूटीन में वो जो पानी पीते हैं उसके अपेक्षा इस पानी का टेस्ट बहुत डिफरेंस है, और उसमें कई जगहों पर ये भी हुआ विजिट के समय पे कि उनको पानी, उनको लगता है कि ये पानी खराब है, हालांकि आप उसको, आप बता रहे हैं, आप टेस्ट करके दे रहे हैं, हमने भी तमाम जो लैब्स हैं वो देखी, तो वो एक माइंडसेट कैसे चेंज होगा? मुख्य रूप से जो फर्क है वो क्लोरिनेशन को है, क्योंकि क्लोरिनेटेड वाटर पीने की आदत बहुत नहीं रहती है लोगों को, तो वो आदत डालने से, तो वो बाकी अन्य जो भी इशू है क्लोरिनेशन से रिलेटेड ही सब इशू, तो इसमें तो हमें जागरूक करना ही पड़ेगा और हम कर रहे हैं, हमने लोगों को जागरूकता के लिए सर कैसे क्या हमारे कैंपेन्स चला रहे हैं? कैंपेन चला रहे हैं, हमारी एनजीओज हैं उनको कैंपेन चला रहे हैं, और जो जो रेगुलर वाटर सप्लाई आती जाएगी तो कैंपेन और अच्छे तरीके से चलती जाएगी। टेस्टिंग को लेकर के भी सर कुछ आप लोगों ने ग्रुप्स तैयार किए हैं, वो ग्रुप्स क्या हैं, कैसे काम? हर गांव में हम लोगों ने 5-5 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया है जिनको कि हमने फील्ड टेस्टिंग किट्स दिए एफटी के। अच्छा, और ये उनके पास सफिशिएंट अबंडेंट नंबर्स में है और उनको ट्रेन कर दिया गया है, वो करती हैं गाँव में, सब चेक कर रही हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स पर, 14 पैरामीटर्स पर पानी की क्वालिटी चेक कर रही है। इससे उनको कुछ पैसा भी मिलता है, कुछ लाभ भी क्या है सर? उनका फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया है, पर टेस्टिंग के हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है। अच्छा, पर टेस्टिंग कितना पैसा कुछ है सर? दोनों। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर। तो आप सुन रहे थे अनुराग जी को, जिन्होंने यूपी से बातचीत की और तुम उन तमाम विषयों के बारे में बताया जो जल जीवन मिशन से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से लोगों के हित में जल जीवन मिशन काम करने वाला है, और जहां पर जिन लोगों को भी पानी की समस्याएं थी, जिन लोगों को मीलों से पानी अपने सर पर ढो करके लाना पड़ता था, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये मील का पत्थर साबित होने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी सौगात है। विवेक राय, एबीपी लाइव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।